अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, आप हमसे पूछो कि आपको क्या खाने का मन करता है, कहाँ जाने का मन करता है, क्या देखने का मन करता है। सच्ची बताएं, जब हम छोटे थे ना, तब हमारा बहुत खाने का मन करता था कि जलेबी खाएं, मीठा खाएं, मिठाइयां खाएं। लेकिन जब मन करता था तब खाने को था ही नहीं, और अब खाने को है तो मन नहीं। पहले मेरा मन करता था मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, छोटा था, एक पैंट 2 साल तक चलाता था, पीछे से ऐसा फट जाता था पूरी चड्डी दिखती थी, उसी को पहन के चलते थे। 2 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाते थे पिताजी, और वो भी कपड़े ले आते थे, दर्जी सिल देता था वो वाले। जीन्स वीन्स क्या होता है कभी पहने ही नहीं, महंगे मिलते थे, इतनी थोड़ी हैसियत थी। सामान्य जो टेरिकॉट के कपड़े होते हैं सबसे सस्ते वाले, उसका पैंट सिलवा लेते थे, शर्ट सिलवा लेते थे। और बच्चे थे, बच्चे तो कहीं भी बैठे पत्थर में जाके, तो बैठने से पीछे से छिल जाए वो कपड़ा, छेद होने लग जाए, और इतना छेद, इतना जब पूरा खत्म ही हो जाए पूरा, तब फिर दूसरा जोड़ी कपड़ा। तो जब कपड़े पहनने की इच्छाएं थी तब कपड़े नहीं थे, जब कपड़े हैं इच्छाएं नहीं। जब बहुत कुछ, पहले हम लोग रोया करते थे मौसी के घर जाना है, पिताजी जाने ही नहीं देते थे, बुआ के घर जाना, घूमने का मन था, बुआ के घर जाएं, मौसी के घर जाएं, कहीं नहीं जाने मिलता था ज्यादा। ट्रेन में घूमने का मन करता था, बस चलती थी, बस में कैसे बैठते हैं, हम भी बैठे हैं, है ना, मन था घूमने का उस समय, जब छोटे से थे, जब 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते थे, मन बहुत था पर घूमने को कहीं मिला ही नहीं, जाते ही नहीं थे, जाना लंबा होता था, किराया ज्यादा लगता था। जब इच्छाएं थी साहब देखने की, तब कुछ देखा नहीं, और जब देखने को बहुत कुछ है तब इच्छाएं नहीं। वैसे ठीक हुआ, मुझे लगता है सब ठीक, बिहारी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। जिस जिस चीज को मुझे बचपन में तरसाया है भगवान ने, वो सारी चीजें खूब दी। फर्क इतना है, तब मन था अब मन नहीं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इच्छाओं का अंत कर देना ही समझदारी है। आप कितना भी देख लो संसार, सच कहता हूं मैया भैया आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है एक भगवान के चरणों के अतिरिक्त। भगवान में मन लगा है, लगा रहे, यही चाह है। मुझे ना रूप देखने का मन करता, ना रंग देखने का मन करता, ना ये जगत की वादियां, सुंदर सुंदर उपवन, कुछ भी नहीं। केवल अब गौरी गोपाल भगवान को देख, नजरें स्थिर हो गई, सुई स्थिर हो गई तो धागा चला गया। अब वो केंद्रित, अब देखो जीवन लड़कपन था, इच्छाएं थी, सारी इच्छाओं से मैं गुजरा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं होती हमारी कोई इच्छाएं ना हो। मेरे बचपन में बहुत जीन्स पहनने की इच्छाएं थी, पर जब थी तो मिला ही नहीं। मुझे याद है मैं अपने जीवन में एक बार भी जीन्स शायद पहना हूं। हमारे जमाने में, हम जब छोटे थे उस जमाने में जीन्स वैसे चलते कम थे, जब चलन आया उनका, ये जीन्स वीन्स अभी कोई, मुझे लगता है
22, 23, 24 साल पुरानी बातें हैं, और आप शहरों में तो चलता रहा होगा सब, पर हमारे गांव के बच्चे जब पहनने को आए तो देख के लगा ऐसा हम भी पहने, पर जब रेट पूछा तो बड़े महंगे थे, इतनी हैसियत थी। पर एक बार मैंने पैसे जोड़कर एक बार मैंने जींस खरीदा 500 रुपए का और पहना, पर जब पहना उसके कुछ दिन बाद ही फिर पढ़ने आ गया वृंदावन तो वो सारी चीजें छूट गईं और पहनावा बदल गया। फिर धीरे धीरे इच्छाएं मरती चली गई सब चीजों की, खाने की, पीने की, देखने की, घूमने की। घूमने की बड़ी इच्छा थी, घूमने की। सबके पास मोबाइल था तो मेरी भी इच्छा थी मेरे पास भी मोबाइल हो। छोटा था भाई, इच्छाएं हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मोबाइल की इच्छाएं, फिर अब आज की डेट में, आज 2023 चल रहा है क्यों, आज मेरी सारी इच्छाएं शून्य हो चुकी हैं। सच कह रहा हूं, अब आप इसको मान लें या मत माने, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, पर जो हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। अब सारी इच्छाएं खत्म हैं, कोई इच्छाएं नहीं बची, बस एक ही इच्छा बची है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। इसलिए मुझे इस उम्र में बिहारी जी ने सब कुछ दे दिया। आप लोग जब इतने बूढ़े, मेरे से बूढ़े बूढ़े लोग जब परेशान होते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप तो मेरे से बड़े हैं, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभव रखते होंगे जिंदगी का। बताइए, मेरे जीवन का अनुभव ज्यादा है या आपका अनुभव ज्यादा है? बताओ, आपका ज्यादा है। मैं 32 वर्ष का हूं, आप फिर भी लगभग 60 के होंगे, 55-60। तो आप मेरे से डबल अनुभव वाले हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे करूं कि क्या आपका मन स्थिर हो गया? नहीं हुआ तो आप उम्र से तो आगे हो गए, परंतु अनुभव से पीछे रह गए। उम्र का बढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभव का बढ़ना जरूरी है। ज्यादा उम्र वाले को समझदार मत समझिएगा, ज्यादा अनुभव वाले को समझदार समझिएगा। अनुभव से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से नहीं। इसलिए सारा संसार घूम लो, देख लो, फिर आप निर्णय लेना, कमरे में बैठकर डिसीजन लेना कि मन को अशांत रखने से ज्यादा आनंद है या शांत। इच्छाएं, आप मेरी तरह काम कीजिए। मैं भगवान से रोज कहता हूं, रोज डेली, हे श्रीमन्नारायण, मेरे मन की चंचलता समाप्त करो प्रभु, मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। रोज कहता हूं, रोज नित्य, हे प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे मन की चंचलता मिटाओ भगवान। मेरा मन सब जगह लगता है, सबसे हटाकर अपने चरणों में लगा लो हे श्याम सुंदर। अब मन कहीं ना जाए, कहीं ना लगे। जब रोज प्रार्थना आप करोगे 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 तो किसी ना किसी दिन की प्रार्थना ठाकुर जी सुन लेंगे और आपका मन उनकी कृपा से शांत होगा। आप नहीं कर सकते, आप कर लो, आपके हाथ में है तो आप करके देख लो। कुछ काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम कृपा ही करती है भगवान की। कुछ काम कौन करता है? भगवान की कृपा। आप कोशिश कर लो, नहीं होगा। इसलिए रोज कहो, बोलो हे श्रीमन्नारायण, दिल से कहो, करने ऊपरी मन से नहीं, हृदय से, भाव से, हे श्रीमन्नारायण, हे प्रभु हमारा मन अशांत है,
हे श्रीमन्नारायण, हमारे मन को शांत कीजिए। हे प्रभु, हमारा मन संसार में भटकता है। हे प्रभु, इस मन को अपने चरणों से लगाए रखिए।